अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आई एम मुजफ्फर बशीर खान। टुडे द टॉपिक अंडर डिस्कशन इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करने से पहले दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसको आप रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रेस कर सकें उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस रिवर्सिबल प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम लिक्विड वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस बैक टू लिक्विड वाटर। दैट्स एन एग्जांपल of reversible process. And next is here irreversible process. ऐसा process जिसको आप reverse direction में retrace ना कर सकें, that's called irreversible process. The process which cannot be retraced in the reverse direction is called irreversible process. Example of this irreversible process is burning of wood or bomb blast or blast of shell. ये वो एग्जाम्पल हैं जिनको आप इन प्रोसेस को आप रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रेस नहीं कर सकते। बस हो गया सो हो गया, तो ये वापस नहीं आ सकते। लेट्स स्टार्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है केल्विन स्टेटमेंट, दूसरी है क्लॉसियस स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज हेयर केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस केल्विन स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कन्वर्ट होल ऑफ अब्सॉर्ब हीट इन टू यूजफुल वर्क विदाउट हैविंग अ सिंक। ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा इंजन नहीं बना सकते। हीट इंजन क्या चीज़ है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इंटू मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन इसके साथ एक हॉट बॉडी होगा और एक कोल्ड बॉडी भी होना ज़रूरी है हीट इंजन के लिए। ये कहता है केल्विन स्टेटमेंट। ये इम्पॉसिबल है कि आप एक ऐसा इंजन बना सकें जो इंजन जितनी भी हीट ऑब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम हॉट बॉडी उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे और कोई सिंक ना हो उसका, कोई कोल्ड बॉडी ना हो और कोई कोल्ड बॉडी को हीट रिजेक्ट ना करे। ये कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट कि ये इम्पॉसिबल है, आप ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच डू नॉट एक्सपेल हीट टू एनवायरनमेंट और कोल्ड बॉडी। नॉर्मली हीट इंजन के लिए जो कोल्ड बॉडी वो एनवायरनमेंट होता है, तो ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो हीट एनर्जी को एक्सपेल ना करे, खारिज ना करे कोल्ड बॉडी को, एनवायरनमेंट को। मतलब ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ वो हीट एनवायरनमेंट को खारिज करेगा हॉट बॉडी से, लेकर कुछ हीट कन्वर्ट करेगा यूजफुल वर्क में और बाकी हीट को वो कर देता है रिजेक्ट या एक्सपेल कर देता है टू कोल्ड बॉडी या एनवायरनमेंट। इसी तरह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरी हीट इंजन शुड हैव अ हॉट बॉडी, इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं HTR, अ कोल्ड बॉडी, लो टेम्परेचर रिजर्वायर LTR एंड अ वर्किंग सब्सटेंस, आमतौर पर कोई गैस होती है। ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं हीट इंजन के लिए, और आप कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो जो हीट ऑब्जॉर्ब करे उसको सारी की सारी हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे। इट्स इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्राम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। अगर आप एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे, अगर आप कुछ एनर्जी को एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, कुछ एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, तो आप हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करवा सकते। नेचुरली ऐसे होता है, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्राम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बट अगर आप लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट कोई काम करना चाह रहे हैं तो ये खुद ब खुद नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है।
जब तक आप कोई एक्सटर्नल वर्क ना करें, जब तक आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी यूज ना करें, तब तक आप हीट को फ्लो नहीं करवा सकते फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर विच एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी विदाउट यूजिंग एनर्जी। अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर हीट को फ्लो करवाता है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का रिवर्स होता है, उसके रिवर्स ऑपरेट करता है, उसके रिवर्स स्टाइल में काम करता है रेफ्रिजरेटर। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर हम ऐसा नहीं बना सकते कि जो एक्सटर्नल एनर्जी यूज ना करे और हीट को फ्लो करवाए फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ऐसे रेफ्रिजरेटर को हम बोलेंगे परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, बट ये हमारे लिए बनाना इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू दिस क्लासियस स्टेटमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन अ रेफ्रिजरेटर विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी। अगर आपके पास एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, एक्सटर्नल वर्कअप नहीं कर रहे, एनर्जी खर्च नहीं कर रहे, तो आप रेफ्रिजरेटर को नहीं चला सकते, रेफ्रिजरेटर की वर्किंग नहीं करवा सकते। ये है क्लासिक स्टेटमेंट। इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स, केल्विन स्टेटमेंट एंड क्लासिक स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ सीम टू बी डिफरेंट, बट वी कैन प्रूव देम इक्विवेलेंट। लगता तो ये डिफरेंट हैं, इनकी स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं, बट हम इनको प्रूव कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट हैं। टू प्रूव देम इक्विवेलेंट, वी सपोज दैट केल्विन स्टेटमेंट इज रॉन्ग और फॉल्स, देन क्लासिक स्टेटमेंट शुड आल्सो बी रॉन्ग। हम लोग ये यहाँ पे एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, टेक्निक ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि केल्विन स्टेटमेंट रॉन्ग है या फॉल्स है, तो फिर अगर हम केल्विन स्टेटमेंट को रॉन्ग या फॉल्स सपोज कर रहे हैं, तो फिर क्लासिक स्टेटमेंट भी अगर फॉल्स आ गई या रॉन्ग हम प्रूव कर लेंगे, तो उसका मतलब फिर ये होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, हमने सपोज ये कर लिया है कि केल्विन स्टेटमेंट रॉन्ग है या फॉल्स है, तो ये आपकी सपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, इफ केल्विन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट हीट इंजन विच कैन कन्वर्ट होल ऑफ द ऑब्जॉर्ब्ड हीट इन टू यूजफुल वर्क। अगर आप केल्विन स्टेटमेंट को सपोज कर रहे हैं कि वो रॉन्ग है, तो फिर आप एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जो परफेक्ट इंजन हो और जो हीट को ऑब्जॉर्ब करे, वो सारे की सारी हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो इससे आगे क्या होगा, इससे आगे ये होगा कि परफेक्ट हीट इंजन ऑब्जॉर्ब हीट क्यू वन फ्रॉम हॉट बॉडी एंड कन्वर्ट्स होल ऑफ इट इन टू यूजफुल वर्क डब्ल्यू। इट मीन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन आ जाएगा। क्यू वन ये हीट ऑब्जॉर्ब्ड, इसको इनपुट कह सकते हैं। डब्ल्यू ये वो वर्क डन है जो ये हीट इंजन परफॉर्म करे, इसको आउटपुट कह सकते हैं। इट मीन्स इन दिस केस आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, इट्स ओनली फॉर परफेक्ट इंजन हैविंग नो सिंक, जिसका कोई सिंक नहीं है, जिसका कोई कोल्ड बॉडी नहीं है, तो उसके लिए ये होगा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन आएगा। दिस वर्क डब्ल्यू डन बाय द परफेक्ट इंजन इज यूज टू रन रेफ्रिजरेटर विच एक्सट्रैक्ट हीट क्यू टू डैश फ्राम कोल्ड बॉडी लो टेम्परेचर रिजर्वायर एल टी आर एंड डिस्चार्ज हीट क्यू वन डैश टू हॉट बॉडी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। क्यू वन डैश जो हीट डिस्चार्ज की जा रही है बाय द रेफ्रिजरेटर, यू इज इक्वल टू क्यू टू डैश प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू ये वो वर्क डन है जो हम कर रहे हैं, और इसके बदले में क्यू टू डैश हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, और इन दोनों को मिला के जो हीट डिस्चार्ज की जा रही है टू हॉट बॉडी वो है क्यू वन डैश। तो क्यू वन डैश इज इक्वल टू क्यू टू डैश प्लस डब्ल्यू। फ्रॉम हियर वी कैन राइट क्यू टू डैश इज इक्वल टू क्यू वन डैश माइनस डब्ल्यू। नो वी ट्रीट परफेक्ट हीट इंजन एंड रियल रेफ्रिजरेटर एज अ सिंगल डिवाइस एंड वर्क डब्ल्यू डन बाय द इंजन इज नो इंटरनल फीचर ऑफ दिस डिवाइस। दिस डिवाइस एक्सट्रैक्ट हीट क्यू टू डैश फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड डिस्चार्ज हीट क्यू वन डैश टू हॉट बॉडी। सो नेट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी, हीट ट्रांसफर जो होगी वो होगी क्यू वन डैश माइनस क्यू वन। क्यू वन डैश ये वो हीट है जो रेफ्रिजरेटर डिस्चार्ज कर रहे हैं टू हॉट बॉडी, और क्यू वन वो हीट है जो ये परफेक्ट हीट इंजन ऑब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द हॉट बॉडी।
तो यहाँ पे जो नेट हीट ट्रांसफर है वो आ जाएगा Q1 - Q1। बट फॉर द परफेक्ट इंजन हम अभी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि W इज इक्वल टू होता है Q1। सो हम यहाँ पे Q1 की जगह पे ले लेंगे W। सो नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 - W। और इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास ये है कि Q1 - W इज इक्वल टू Q2। सो नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू आ जाएगा Q2। अभी ये Q2 वो हीट है जो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये वो हीट है जो नेट हीट ट्रांसफर की जा रही है टू हॉट बॉडी, और ये वही हीट है जो रेफ्रिजरेटर ऑब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। इट मींस के जो हीट ऑब्जॉर्ब की जा रही है फ्रॉम द कोल्ड बॉडी बाय द रेफ्रिजरेटर, वही हीट वो लीव कर रहा है, वो डिस्चार्ज कर रहा है टू हॉट बॉडी, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि अब ये जो वर्क W हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये तो वो वर्क है जो इंजन जिसको आपने परफेक्ट इंजन कह दिया है वो कर रहे हैं। और अब ये इंजन और ये रेफ्रिजरेटर दोनों मिलके एक सिंगल डिवाइस बना रहे हैं, और कोई एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल एनर्जी यूज यहाँ पे नहीं हो रही। दिस शो दैट दिस डिवाइस एक्सट्रैक्ट्स हीट Q2 फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड डिस्चार्ज द सेम हीट Q2 टू द हॉट बॉडी विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क, विच इज अगेंस्ट द क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो क्लासियस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमने सपोज किया है कि केल्विन स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो अगर हम केल्विन स्टेटमेंट को रॉन्ग सपोज कर रहे हैं तो फिर उससे हमने उससे जो रिजल्ट निकाला वो ये निकाला, तो फिर इसका मतलब ये कि क्लासियस स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, जिससे हम लोग यहाँ रिजल्ट ये दे रहे हैं, कंक्लूजन ये दे रहे हैं कि इफ केल्विन स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन क्लासियस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। फ्रॉम हेयर इट इज कंक्लूडेड दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये लगता तो ये कि ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, बट केल्विन स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट बोथ आर इक्विवेलेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।